सो गाइस टेकन 8 का सेकेंड ट्रेलर रिलीज होने के बाद टेकन के डायरेक्टर कात्सुहिरो हारादा ने आईजीएन को फिर से पहले के जैसे टेकन 8 के बारे में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने सेकेंड ट्रेलर और टेकन 8 के बारे में काफी सारी नई बातें बताई। इसके अलावा मैं जैसे ही ये वीडियो बना रहा था बट तभी हारादा का एक और स्ट्रीम सामने आ गया, जिसमें उन्होंने टेकन 8 के न्यू गेम प्ले के साथ कैरेक्टर्स के बारे में भी काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन दी। इसलिए इस पर एक और वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं इसे भी इसी वीडियो में कवर कर दूं। और हाँ, वीडियो में मैं बस इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स को ही कवर करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। तो फिर चलो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और जो जो नया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अभी इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हारादा ने बताया कि टेकन 8 की स्टार्टिंग टेकन 7 के 6 महीने बाद शुरू होती है, बट जिन और काजुया की राइवलरी टेकन 7 में हियाची और काजुया की राइवलरी जैसी नहीं है, ये उससे थोड़ा अलग है। जिनका स्ट्रगल या वॉर उसके फादर काजुया और खुद के डेविल जिन विरासत में मिली ब्लड लाइन के अगेंस्ट है। इसके अलावा टेकन 8 की न्यूली टैगलाइन है फिस्ट मीट्स फेट और टेकन 8 के लोगो में 8 एक ब्रोकन चेन जैसा दिखता है। सो इसके बारे में हारादा ने ये कहा कि ये दोनों ही चीज जिनकी अपनी डेस्टिनी के अगेंस्ट स्ट्रगल और से बांधने वाली चेन्स को तोड़ने की कोशिश का सिंबल है, मतलब कि जिन टेकन 8 में उस डेविल ब्लड लाइन को तोड़ देगा और मे भी वो डेविल को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करेगा। और ट्रेलर में मैंने इस हाथ को जून का हाथ समझ लिया था, बट यहाँ कंफर्म हुआ है कि ये जून का नहीं बल्कि जिन का हाथ है, आई मीन उसके डेविल साइड का, जो जिन को ट्रेलर में कई बार अपने पास बुलाते हुए दिखता है। डेविल जिन की हेल्प करना चाहता है बट जिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब इसके बाद हारादा से जून के रिटर्निंग के बारे में पूछा गया तो हारादा ने बताया कि जून को पहले ही टेकन गेम्स में वापस लाने का प्लान बनाया गया था, बट सीरीज की इंस्टॉलमेंट्स को टेकन की स्टोरी की डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए जून को सीरीज में फिर से रिटर्न लाने में काफी टाइम लग गया। इसके अलावा जून के बारे में कहा गया कि टेकन 8 में जून का जो डिजाइन है उसका हर एक पार्ट जून का एनिमल से कनेक्शन को एक्सप्लेन करता है कि वो कौन है, क्योंकि जून हमेशा एनिमल्स के काफी करीब रही है जो टेकन मूवीज और गेम्स में भी दिख चुका है। अब इसके बाद हारादा से जून की फाइटिंग स्किल्स के बारे में पूछा गया तो हारादा ने जून की फाइटिंग स्किल्स के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया, बस उन्होंने इतना कहा कि जून एनिमल्स के साथ अपनी फाइटिंग स्किल्स से भी काफी कनेक्टेड है और वो अभी भी कजामा ट्रेडिशनल स्टाइल मार्शल आर्ट का यूज कर रही है। इसके अलावा हारादा ने यह भी बताया कि टेकन 8 में जून के पास कुछ पोजेस यूनिक डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है जहाँ वो डेविल या किसी भी अपोनेंट के अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकती है। सो यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हारादा में भी जून की कोई स्पेशल पावर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने ट्रेलर और इस पिक्चर में देखा था कि जून के पास कोई स्पेशल पावर है जो कि आप भी जून के हाथ पर नोटिस कर सकते हो। ये ट्रेलर में दिखाई गई बर्ड की सोल है। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली पावर क्या है, बट इससे जून अपोनेंट्स के अटैक को न्यूट्रलाइज मींस की बेअसर कर सकती है। और हाँ, लास्ट में ये भी बताया कि टेकन 8 की स्टोरी मोड में जून जिन को एज अ गाइड करने वाली है। अब इसके बाद आईजीएन ने हारादा से टेकन 8 के कैरेक्टर्स मॉडल के बारे में पूछा तो हारादा ने इसके बारे में पहले बताया था कि टेकन 8 में उन्होंने सभी कैरेक्टर्स को न्यूली डिजाइन किया है, इसीलिए इसमें ही टेकन 8 को बनाने में ज्यादा टाइम लग गया। और जो ट्रेलर में हमें टेक्निकल एलिमेंट्स दिखाए गए जिसमें लाइटिंग और विजुअल एलिमेंट्स इंक्लूड है, वो अभी भी प्रोग्रेस में है, उस पर काम चल रहा है, क्योंकि अभी भी वो उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जैसा हारादा चाहते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें गेम को और भी इम्प्रेसिव बनाती है जो काफी इम्पोर्टेंट होता है। सो हारादा की बात से तो यही लग रहा है कि टेकन 8 पर अभी भी काम चल रहा है, इसलिए गेम में भी 2023 में रिलीज ना हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में आपके साथ मैं अभी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार हारादा से टेकन 8 के न्यू बैटल सिस्टम हीट के बारे में पूछा गया। तो हारादा ने हीट सिस्टम के बारे में एक एग्जांपल देते हुए समझाया, मान लीजिए गेम खेलते टाइम आप और आपका ओपोनेंट दोनों किसी तरह से एक दूसरे के मूव्स को 100% रोकते हैं या बचते हैं तो मैच आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में से किसी को भी डैमेज नहीं पहुंचेगा और ये प्रॉब्लम प्लेयर्स को बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए टेकन 8 में हीट सिस्टम को ऐड किया गया है ताकि प्लेयर को गेम देखते और खेलते टाइम एक्साइटिंग लगे कि वो अभी भी जीत सकता है, उसके पास एक मौका है अगर वो एग्रेसिव हो जाए। सो बेसिकली हीट सिस्टम एक न्यू गेम मैकेनिक है जो हर एक कैरेक्टर की एबिलिटीज के लिए स्पेशल मूव और एनहांसमेंट के साथ एग्रेसिव अटैक को ट्रिगर करता है। सो इससे ज्यादा हारादा ने हीट सिस्टम के बारे में नहीं बताया, बस उन्होंने लास्ट में प्रॉमिस किया कि जो गेम में मोशन दिखेगा हीट सिस्टम उसके बारे में वो अगली बार पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब ट्रेलर में पॉल के लुक को देखकर काफी फैंस नाखुश हो गए थे कि पॉल को कितना बेकार बना दिया है, बट हारादा ने पॉल के फैंस को खुश कर दिया है क्योंकि उन्होंने बताया कि टेकन
टेकनेट में पॉल के हेयर टेकन 4 के जैसे डाउन है, बट अगर किसी फैन को ये पसंद नहीं आया तो वो कस्टमाइज करके पॉल के हेयर को फिर से क्लासिक जैसे स्ट्रेट कर सकता है या वो जैसा चाहे वैसा पॉल को लुक दे सकते हैं। और यहाँ इस बात से पता चल रहा है कि टेकनेट में टेकन 7 के जैसे कस्टमाइजेशन होगा। अब इसके बाद हराडा से टेकनेट के स्टेजेस के बारे में पूछा गया कि गेम प्ले में हमने जैकेट और किंग को एक स्टेज में फाइट करते हुए देखा जो वॉल पर टकराने से ब्लास्ट हो गए। सो इसके बारे में हराडा ने बताया कि कुछ स्टेजेस में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो हिट करने पर ब्लास्ट हो जाएंगे और ओपोनेंट को काफी डैमेज भी होगा, और ऐसे सीन के टाइम कैमरे को भी 360 डिग्रीज पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा स्टेजेस में और भी काफी अच्छी डिटेलिंग की गई है, जैसे फर्श का टूटना या वॉल का टूटना। सो ये था हराडा का IGN के साथ इंटरव्यू, जिसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा पढ़ना चाहते हो तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब हराडा ने टेकन वर्ल्ड टूर 2022 नॉर्थ अमेरिका में जो जो कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिनको दिखाते हुए, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि टेकनेट की स्टोरी टेकन 7 के 6 महीने बाद की है। जून को लेकर भी कंफर्म नहीं हुआ था कि वो टेकनेट में प्लेबल कैरेक्टर है या नहीं, बट हराडा ने यहाँ साफ साफ बता दिया है कि जून टेकनेट में प्लेबल कैरेक्टर होगी। बट हराडा ने ये अभी कंफर्म नहीं किया कि जून क्या टेकनेट की स्टोरी मोड में भी प्लेबल कैरेक्टर होगी। इसके अलावा जून के कॉन्सेप्ट आर्ट को दिखाते हुए उसके डिजाइन की पूरी डिटेल्स भी बताई गई। और हराडा ने यह भी बताया कि जब ट्रेलर में जून जिन को टच करती है एंडिंग के सीन में, तो वो जून के रेजार्ट एनिमेशन का पार्ट है। इसके बाद कैरेक्टर्स के एग्रेसिव स्क्रीनशॉट्स को दिखाते हुए कैरेक्टर्स के कुछ सेकंड के गेम प्ले भी दिखाए गए, और हराडा ने उसे एक्सप्लेन भी किया, जैसे वॉल पर कैरेक्टर्स को हिट करने पर वो ब्लास्ट हो जाएगा, जिसे डिस्ट्रक्शन बैटल स्टेज का नाम दिया है, जो कई स्टेजेस में होंगे। इसके बाद पॉल के गेम प्ले को दिखाया गया और यहाँ हराडा ने फाइनली कंफर्म किया कि ये पॉल का रेजार्ट है। सो काफी डाउट था कि टेकनेट में रेजार्ट होगा या नहीं, बट अब कंफर्म हो चुका है कि टेकनेट में हीट सिस्टम के साथ रेजार्ट भी होने वाला है। और पॉल के रेजार्ट में उसका कहना है कि वो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग है। सो ये पॉल की ओल्ड टैगलाइन है जो अभी भी पॉल के कैरेक्टर को बताता है कि वो लूजर नहीं है, वो यूनिवर्स का बेस्ट फाइटर है। अब इसके बाद टेकनेट के न्यू बैटल सिस्टम हीट के कुछ क्लिप्स को दिखाए गए जो कि आप भी देख ही सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बट यस, इस पॉइंट को जरूर नोटिस करना कि जब जैकेट हीट सिस्टम का यूज करता है तो देख सकते हो एंड में जैकेट वेपन भी अटैक करता है जो अटैक के साथ ब्लास्ट हो जाता है, एंड में भी ये वही हैवी गन है जो जैक अपने इंट्रो में लेके आता है, ट्रेलर में देखा ही होगा। सो इसके बारे में हराडा ने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स या एक्स्ट्रा अटैक सभी कैरेक्टर के पास नहीं है, इसके बारे में वो डिटेल में अपनी अगली डेट में बताएंगे। अब इसके बाद ट्रेलर में साइड स्टेप्स या साइड वॉक को नहीं दिखाया गया था, इसलिए सभी को लग रहा था कि टेकनेट में साइड स्टेप्स या साइड वॉक नहीं होने वाला है, बहुत ही र्यूमर फैल गया था। बट हराडा ने यहाँ बता दिया कि हमने स्टेजेस को काफी बड़ा और राउंड इसलिए बनाया है ताकि प्लेयर्स साइड स्टेप्स का यूज कर सके। सो हाँ, टेकनेट में साइड वॉक या साइड स्टेप होगा। और लास्ट में हराडा ने बताया कि टेकनेट के और भी अपडेट्स आने वाले हैं जिसे वो अभी रिवील नहीं कर सकते, सो इसलिए स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। इसके बाद हराडा ने टेकन 7 के कुछ अपडेट्स और कुछ इवेंट्स की बात की जिन्हें मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो टेकनेट से रिलेटेड नहीं है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप है कि तुमको टेकनेट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जान के मजा आया होगा। तो मुझे बताना तुम्हें कौन सा इन्फॉर्मेशन जान के अच्छा लगा, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसे ही टेकनेट के और भी अपडेट्स मिलते रहे तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।